वन पीस के क्रिएटर ओडा सेंसे ने भी एक बहुत बड़ी वाली चीज रिवील करी है। अभी कुछ दिनों पहले जम फेस्टा 2024 के अंदर वन पीस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमको रिवील करा गया, जिसके अंदर वन पीस का न्यू रिमेक और साथ ही साथ वन पीस के मॉन्स्टर एनिमे के बारे में हमको बहुत कुछ चीजें पता चली। और साथ ही साथ हमें ओडा सेंसे की तरफ से वहां पर एक मैसेज देखने को मिला। वहां पर ओडा सेंसे ने बोला कि अगर लूफी और उसका क्रू सेफली एगेड से बाहर निकल जाते हैं तो वो लोग एगेड के बाद में उस वाले आइलैंड पे जाएंगे। तो यहाँ पर ओडा सेंसे ने आइलैंड का नाम नहीं बताया, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि लूफी और उसका क्रू भाई एगेड के बाद में एल्बाक के ऊपर ना जाए। आगे चल के ओडा सेंसे ने बोला है कि मैंने भी कंसीडर करा है कि लूफी और उसका क्रू वो वाला रूट चूज ना करे, लेकिन मैं लूफी को रोक नहीं पाऊंगा। और इसी के चलते आगे दो कैरेक्टर के बीच में बहुत बड़ी वाली फाइट होगी और उस फाइट का रिजल्ट आगे चल के काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लूफी और उसका क्रू भाई एगेड के बाद में एल्बाक के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे एगेड का आर्क खत्म होगा लूफी को पता चलेगा कि भाई गार्प को ब्लैक बियर्ड ने कैप्चर करके रखा है, तो वो एल्बाब को छोड़ के सीधा गार्प को बचाने के लिए पायरेट आइलैंड के ऊपर जाएगा। तो वहीं पर हमको शायद से लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड या लूफी वर्सेस आउकुजी देखने को मिलेगा, और इस वाले फाइट का जो रिजल्ट होगा उसकी वजह से वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और लूफी एल्बाब के ऊपर जाता है तो वहां पर हमको शैंक्स वर्सेस लूफी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई अगर लूफी को गार्प की न्यूज मिलती है तो वो सब कुछ छोड़ के सीधा गार्प को बचाने ही जाएगा, ना कि वो एल्बाब के ऊपर जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शायद से ओडा से जामबुझ के हमारे दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं, जो कि वो हर बार करते हैं। तो आपके इस वाले मैसेज को लेके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो होपफुली आपको ये वाला छोटा सा वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।